ब्राह्म दैवम परम ही में। अरे ब्राह्मण तो मेरे हृदय में विराजते हैं। आज भगवान सुदामा जी महाराज के चरण के पास बैठकर भगवान क्या देख रहे हैं? अपने प्रिय सखा के चरण पर भगवान ने दृष्टि डाली है। क्या देखते हैं भगवान सखा के चरण में? अरे पांव में धूल लगा हुआ है। भगवान ने कहा, सखा आपके पांव में इतना धूल लगा है, पैदल आए हैं, चल कर आए हैं सखा, देखो तो कैसा धूल लगा हुआ है आपके दोनों चरण में। और ऐसा कहते ही भगवान की दृष्टि पड़ गई, सखा आपके पांव से तो ये रक्त की बूंदे क्यों दिख रही हैं? सखा तो कांटा है आपके पांव में, कांटे गड़े हुए हैं, मैं निकाल देता हूं सखा। और भगवान ने जब सुदामा जी महाराज के चरण को छूकर पांव को पकड़कर जब उनके कांटे को निकालने लगे तो सुदामा जी महाराज ने कहा, क्या कर रहे हैं सखा आप, इतने बड़े राजा महाराजा हैं, हमारे चरण को ऐसे ना छूए सखा। पर भगवान के हृदय में अपने सखा के लिए वह दिव्य प्रेम है, सखा भाव है। सुदामा जी महाराज मना करते रहे पर भगवान उनके पांव के कांटे को ऐसे निकाल रहे हैं। भगवान कथा में तो यह भी दृश्य आता है कि कांटे टूटे हुए हैं, निकलता नहीं है, तो भगवान कहते हैं अपने दांतों से खींच कर निकाल दो क्या सखा? सुदामा जी ने कहा, नहीं सखा, क्या कह रहे हैं आप, इतने बड़े राजा महाराज। और आज अपने प्रिय सखा की यह दशा देखकर, उनके चरण को देखकर, इतना ही नहीं आज तो भगवान के नेत्र भी सजल हो गए हैं। आज भगवान की आंखों में आंसू आ गए हैं। भगवान अपने सखा की दशा देखकर, पांव को देखकर आज भगवान रोए जा रहे हैं। भगवान की आंखों में आंसू की धार बह रही है और भगवान के अश्रु बिंदु टप टप एक एक बूंद सुदामा जी महाराज के चरण में पड़ते जा रहे हैं। प्रभु ने कहा, रुक्मणी जल लेकर के आओ, मेरे प्रिय सखा के चरण धोने हैं मुझे। रुक्मणी जल लेकर के आती, इसके पहले ही भगवान ने तो अपने नेत्रों के जल से, अपने आंसुओं से अपने प्रिय सखा के चरण धो रहे हैं। भगवान हाथ छुए नहीं, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नयनन के जल से पग धोए। सुदामा जी महाराज के माथे के लकीरों पर भगवान की दृष्टि पड़ गई। सखा के माथे की लकीरें क्या कह रही हैं? सुदामा जी महाराज के माथे पर साफ साफ भगवान ने देखा, लिखा हुआ है, श्री इच्छय, अर्थात श्री माने होता है धन संपत्ति और क्षय माने नाश। मेरे सखा के भाग्य की लकीरें, माथे की लकीरें कह रही हैं कि इसके भाग्य में धन और संपत्ति बिल्कुल नहीं है, धनहीन। भगवान ने कहा, रुक्मणी तिलक लेकर के आओ। और फिर भगवान ने अपने हाथों से अपने प्रिय सखा के माथे पर श्री क्षय लिखा देखकर भगवान ने आज सुंदर तिलक अपने सखा के माथे पर लगाया है। और जैसे ही भगवान ने सखा के माथे पर अपनी उंगली स्पर्श किया, पहले लिखा हुआ है श्री क्षय, पर भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया, श्री क्षय जो लिखा है वो इधर का उधर हो गया। कैसे इधर के इधर हुआ? श्री क्षय के जगह पर भगवान के स्पर्श करते ही यक्ष स्त्री ही लिखा गया। अर्थात भगवान ने आज भीतर ही भीतर अप्रत्यक्ष रूप से
अपने प्रिय सखा को भगवान ने अपने जैसा ही धनवान ऐश्वर्यवान बना दिया। रामा जी महाराज उससे छिपाने लगे, इतने बड़े महाराज जी को मैं ये पुटनी कैसे दिखाऊंगा, इतने बड़े राजा हैं। सुदामा जी महाराज छिपाने लगे, द्वारिकाधीश भगवान ने कहा सखा लगता है कुछ लाए हैं मगर हमसे छिपा रहे हैं, आप दे दो ना सखा जो लाए हो, काहे छिपा रहे हो। सुदामा जी महाराज ने कहा नहीं सखा, हम क्या लाएंगे, भला हम गरीब है ना, आपके लिए कोई चीज ला सकते हैं हम। भगवान ने कहा पर हमने तो देख लिया आप लाए हैं, छिपा रहे हैं हमसे। सखा आपकी आदत गई नहीं अभी तक, ये छिपाने की आपकी बहुत पुरानी आदत है, आज भी आदत वही है, पहले भी हमसे छिपाया था, आज भी हमसे छिपा रहे हैं। छिपाया था ना सखा, याद है आपको? तो सुदामा जी महाराज ने कहा सखा वो तो पुरानी बात है, छोड़ो ना उस बात को। भगवान कहते हैं नहीं सखा, हम तो आज बताएंगे, आपने पहले भी हमसे छिपाया था, आज भी आप हमसे छिपाए जा रहे हैं सखा, हमें बताने दीजिए, हम तो बताएंगे आज। और क्या बता रहे हैं भगवान द्वारिकाधीश,